मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रुकुट, घने के, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम, प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है, क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है, क्योंकि वो भाव से जुड़े। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे, जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो, राधे राधे। संसार में सबसे बड़ा, सबसे महान जीव कौन सा है? अब आप में से कुछ कहेंगे मनुष्य, कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा हाथी, किंतु नहीं, संसार में सबसे महान जीव है वृक्ष। वो वृक्ष जो हमें खाने के लिए फल देता है, जीने को प्राण वायु देता है, गर्मी में शीतलता देता है, और सूख जाने पर भी हमें जलाने के लिए लकड़ी दे जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे अचानक वृक्षों की महिमा मंडित क्यों कर रहा हूं। मेरा संकेत इस वृक्ष से कहीं अधिक गुड़ है, उस बीज की ओर, जो ना आपको फल देता है, ना छाया, ना ही लकड़ी, बस धरती के अंदर और नमी से लड़ता हूं। कुछ अंगुल नीचे बस जाता है एक वृक्ष को आकार देने के लिए। दीपक क्या है? साधारण सा माटी का पात्र, किंतु जल बाती लेकर जब जलता है तो समस्त संसार को मार्गदर्शन देता है, महान बन जाता है। अब समझे, यदि महान बनना है तो कुछ करना होगा। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं या बड़े, कुछ करेंगे तो कुछ बनेंगे। आप चलना प्रारंभ कीजिए, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। निश्चल बैठने वालों का कभी कुछ नहीं होता। स्मरण रखिएगा, कुछ आरंभ करने के लिए महान होना आवश्यक नहीं है, किंतु महान होने के लिए कुछ आरंभ करना अति आवश्यक है। राधे राधे।